क्या आप नए एंड्रॉयड फ़ोन खरीदे हैं और आप चाहते हैं आपका पुराने वाले जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हूबहू आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी हो जाए? अगर ऐसा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप अपने पुराने फ़ोन में से सारे डेटा, फाइल्स और एप्लीकेशंस आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो टूल्स चाहिए, एक है USB कनेक्टर और एक USB केबल। तो डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करने के लिए आपका जो USB केबल है उसे आप कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर ले और उसके बाद आप इसे आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे कनेक्ट कर ले और उसका जो दूसरे पोर्ट है उसे आप अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर ले। नए एंड्रॉयड फ़ोन पे गेट स्टार्टेड पे टैप करें। यहाँ पे हम सिम कार्ड नहीं इंसर्ट करेंगे तो इसे स्किप कर रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी ऑप्शन पे टैप करें। अगर आप अपने पुराने फ़ोन पे कोई पिन कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसे यहाँ पे इंटर करें। आप देख सकते हैं हमारे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे डेटा कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है और नए एंड्रॉयड फ़ोन भी डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हो रहा है। हमारे पुराने फ़ोन में जितने सारे ऐप्स, कॉन्टेक्ट्स, फ़ोटोज़, वीडियोस, म्यूज़िक, SMS और बाकी सारे डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री, सारे डेटा हम पुराने फ़ोन में से नए फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे डेटा ट्रांसफ़र ना हो तो आप उसे यहाँ पे सिंपली अनमार्क कर दें। यहाँ पे हम सारे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इसलिए सारे ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम कॉपी पे टैप करेंगे। पुराने फ़ोन का सारे डेटा नए फ़ोन पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे आपका गूगल अकाउंट पे ज़रूर साइन इन होना चाहिए। अगर आपके गूगल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर ले। ये हमारे गूगल सर्विसेज का टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसे यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। और अब यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करें और अपने फ़ोन को सेटअप कर ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डेटा कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। ये कॉपी कंप्लीट होने तक आप इंतज़ार करें। तो कॉपी कंप्लीट हो चुका है, टैप क्लोज और नए फ़ोन पे टैप डन। स्वाइप अप टू गो होम। आप देख सकते हैं हमारे पुराने फ़ोन नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी हो चुका है। दोनों का वॉलपेपर यहाँ पे सेम है। आप हमारे नए एंड्रॉयड फ़ोन पे देख सकते हैं पुराने फ़ोन का जितने सारे एप्लीकेशंस हैं वो एक के बाद एक कॉपी हो रहा है। फ़ोटोज़ एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं जो पुराने फ़ोन का फ़ोटोज़ थे वो सारे नए फ़ोन पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट्स पे टैप करेंगे तो पुराने फ़ोन और नए फ़ोन का कॉन्टेक्ट्स हमें सेम दिखेंगे। आप हमारे इस वीडियो को फॉलो करके अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में से सारे डेटा, इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, फ़ोटोज़ और एप्लीकेशंस हूबहू अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी कर पाएंगे। आशा करते हैं हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।